मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ थाईलैंड सीरीज. आज मेरा थर्ड डे है थाईलैंड में और पटाया में सेकेंड डे है. एंड अभी मैं जाऊंगी पटाया एक्सप्लोर करने के लिए. एंड एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे बाजू में एक जोमतेन करके बीच है, उसके बाद हम जाएंगे म्यूजियम, मतलब बीच पे शायद शाम को जाएंगे, अभी म्यूजियम जा रहे हैं. एंड देन हम शाम को या फिर नाइट में निकलेंगे फुकेत के लिए. कुछ भी बुकिंग्स नहीं हुआ है, ऑन द स्पॉट होने वाला है एंड इट्स गोना बी फन. सो वी डिसाइडेड टू गो टू द बिग बुद्धा टेम्पल विच वॉज अराउंड 5 किलोमीटर फ्रॉम आवर होटल. तो हम लोग ने हमारे होटल से कैब बुक किया था बोल्ट ऐप से, जो पड़ा था हम लोग को कुछ 74 baht में. एंड हम लोग पहुँच गए थे बिग बुद्धा टेम्पल. तो बिग बुद्धा स्टैचू ऊपर है और उसके नीचे एक और एक टेम्पल है. तो यहाँ पे अभी हम जो जा रहे हैं वो एक छोटा वाला टेम्पल है, उसके अंदर से ऐसे जंगल में जाने के लिए भी रास्ता था और उसके बाद में और एक ऐसे टेम्पल है. आई थिंक यहाँ पे बहुत टाइम से कोई आया नहीं था, इसके लिए ये बंद हो गया था. तो नाउ वी विल गो टू दी मेन टेम्पल. हेलो गाइस, अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो बुद्धा, बिग बुद्धा है और आई गेस ये पूरा स्नेक स्टेप्स चढ़ के ऊपर जाना है और फिर बिग बुद्धा का स्टैचू आएगा. सो आई वॉज वियरिंग शॉर्ट्स, दैट्स वाई दे वर नॉट अलाउविंग मी टू गो अप. फिर उन्होंने ही मुझे उनके हाथ से स्कार्फ दिया और फिर मैं वो पहन के ऊपर चली गई. और बिग बुद्धा टेम्पल स्टैचू के पीछे से ही ये टेरेस जैसा एरिया है और वहाँ पे पूरा पटाया सिटी का व्यू और बीच दिख रहा है. अभी मैं जहाँ पे हूँ वो है बुद्धा टेम्पल, बिग बुद्धा टेम्पल, और यहाँ से पूरा पटाया सिटी का व्यू आ रहा है. देन आई गॉट टू नो देर इज़ नो डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम पटाया टू फुकेत. सो अगर मुझे फुकेत जाना है पटाया से तो मुझे बैंकॉक जाना पड़ेगा और बैंकॉक से मुझे ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे. अभी वो भी इवनिंग के टाइम पे रहेंगे नहीं रहेंगे आई डोंट नो. सो हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे बैंकॉक. तो बैंकॉक जाने से पहले मैंने बस स्टॉप से एक सुपर मार्केट से रेडी टू कुक नूडल्स पिक किए थे. थाईलैंड में आपको बहुत सारी जगह पे ऐसे रेडी टू कुक फूड मिलेगा जो आप इंस्टेंट बना के खा सकते हो, उसमें सिर्फ हॉट वाटर वगैरह डाल के. बट आई डिड नॉट लाइक इट मच, मतलब इंडियन टेस्ट के हिसाब से इट वाज नॉट दैट गुड. इट्स जस्ट बेसिक नूडल्स, हाफ कुक नूडल्स और समथिंग लाइक दैट्स. मोस्टली ये नॉन वेज ही है. अभी मैं जो बना रही हूँ वो है श्रिम्प नूडल्स और उसमें श्रिम्प तो मुझे हार्डली 2 या 3 पीसेस मिले रहेंगे, वो भी बहुत माइनर, बहुत छोटे थे. एज मुझे ये नूडल्स पसंद नहीं आए तो वो मैंने हाफ से ज़्यादा फेंक दिए थे. एंड मैंने पिक किया पिज़्ज़ा बैंकॉक बस स्टेशन से एंड वी हेडेड टू द फुकेत. सो फुकेत हम गए थे, उसके पीछे भी एक अलग स्टोरी है जो मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो. सरप्राइजिंगली आई गॉट टू नो दैट थाईलैंड में भी बॉलीवुड के बहुत सारे फैंस हैं. हमारा टैक्सी ड्राइवर है वो बॉलीवुड मूवी देख रहा था थाई लैंग्वेज में. एंड मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग.